हमारे व्यूवर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं सर, कुछ लोगों ने जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, हालांकि 3 दिन पहले हमने वीडियो डाला आपका कमिंग सून का, तो 700 के लगभग लोगों ने कमेंट किया है सर अब तक। तो जैसे सत्यनारायण नेतम लिख रहे हैं, शेर आ रहा है। यस। सभे कुमार शर्मा ने लिखा है, सर आप मेरी इंस्पिरेशन है। नरेंद्र के आर सिंह ने लिखा है, नायर ऑन फायर, वंडरफुल एपिसोड होने वाला है। शिवा मल्होत्रा ने लिखा है, वाओ माइंड ब्लोइंग न्यूज। विवेक तिवारी ने लिखा है, सर नायर सर इज ग्रेट मैन, नायर सर मेरे आइडियल हैं, उनकी फिलोसफी सेल्स व मार्केटिंग को फाड़ देने वाली है। तो बहुत लंबी लिस्ट है सर मेरे पास। ये लोगों का प्यार है और लोगों ने ही हमें बनाया है जो भी हम आज है, और हमारा ये कंटिन्यूस प्रयास टू इम्प्रूव माई सेल्फ लोगों तक बना रहने का ये जरिया है हमारा। तो बहुत ये सभी लोग और हर वो इंसान जिसने हमारे बारे में लिखा और जिसने नहीं भी लिखा हो वक्त न मिलने की वजह से, सबका आभार मानता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और हम आगे बढ़े सर, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। पिछले दिनों सर हमारे मेहमान थे राजेश टैगोर जी, टैगोर शायद शुरुआती थी उन दिनों, तो हमने टैगोर साहब से एक रिक्वेस्ट किया था कि आप नायर साहब को निमंत्रण भेजिए, और राजेश टैगोर की वजह से ही आप सर हमारे शो पे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ सर आपको भी और व्यूअर्स को भी। ओके। गुरु श्री संतोष नायर जी हैं। हाँ जी जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा है। उनके दया से जो मैं अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, अच्छी बातें करने को मिले, और उनके गाइडेंस रहा तो मैंने बहुत सारे गलतियां जो लोग करते हैं वो सब नहीं किया, क्योंकि गुरु थे। हाँ जी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। संतोष नायर साहब को लेकर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ जी। तो हम आपके माध्यम से नायर साहब को निमंत्रण भेज रहे हैं। हाँ जी। कि उनसे आप अनुरोध कीजिएगा एक दिन वो भी हमारे चैनल पे। हाँ जरूर जरूर जरूर, मैं उनको बता दूंगा। बहुत बड़े शख्स हैं मगर वो सिंपल आदमी है, बहुत खूबसूरत आदमी है, वो कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान के करोड़ों लोग शायद ऐसे होंगे जिन्होंने उनको सुना है और उनमें प्राण आ गए हैं दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से मैं एक हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरे पास कम से कम 3000 किताब है, 3000 ऑडियो से, करीबन 1500 वीडियो से, दुनिया के हर प्रकार के ट्रेनर के हैं, और उन सबसे बेहतर है संतोष नायर जी। ग्रेट। उनका जो बोलते हैं वो मेरे को ज़्यादा ये होता है। तो संतोष नायर साहब के साथ जब मुलाकात हुआ पहली बार 1998 में, उस वक्त मैं भी ट्रेनिंग देता था, मैं दो दो तीन तीन घंटे का ट्रेनिंग देता था और पूरा थक जाता था। तो मैं देखा कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 तक नायर साहब ऐसा जबरदस्त एनर्जी के टाइप ट्रेनिंग देते, 3 दिन लगातार ट्रेनिंग, थके ही नहीं। तो मैं जाके पूछा उनको कि सर मैं 3 घंटे में थक जाता हूँ, आप 12-12 घंटा काम करते, इतना एनर्जी के साथ ट्रेनिंग, थकते कैसे नहीं। तो उन्होंने मुझे 1 मिनट का एक भाषण दिया था। अच्छा। तो बोलते हैं कि राजेश मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्रश करता हूँ, 5:30 बजे जुहू बीच में जाता हूँ, लगातार 25 मिनट दौड़ता हूँ, उसके बाद मैं स्किपिंग करता हूँ, उसके बाद मैं बगैर रुके कंटिन्यूसली पसीना बहाता हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ, ऐसा 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 ये करता हूँ, और ये करने की वजह से मुझे थकावट नहीं होती है। अच्छा। तो वो चीज़ उन्होंने जिस तरीके से कहा, आज भी मुझे वो चीज़ उतना ही फ्रेशली सुनाई देता है, और मेरे दिमाग में उतर गया। अगले दिन से मैं दौड़ना स्टार्ट कर दिया, दैट वाज 1998। पहला दिन मैं दौड़ नहीं पा रहा था, मगर मैंने फैसला किया कि जीवन भर दौड़ूंगा। तो 98 से आज 2019, पिछले मैं कहूँगा कि 21 साल से मैं दौड़ रहा हूँ। राजेश टैगोर मेरे बड़े प्रिय मित्र रहे हैं और मेरे बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, और हमारे साथ स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में बहुत काम किया उन्होंने, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री का बेचार्ज बादशाह है वो। मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और जो इंसाइटफुल और जो मतलब इतने साल से ट्रेनिंग में हैं, रोज़ नया करते हैं कुछ ना कुछ गेम्स या कुछ ना कुछ नया करते हुए। अभी हमने एंटरप्रेन्योर ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बोल के एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का एक गुरुकुल बोल के प्रोग्राम किया था 3 दिन का, तो वहाँ पर भी 3 दिन मेरे साथ थे। बहुत ही एनर्जेटिक, इंसाइटफुल और डायनामिक इंसान। थैंक यू वेरी मच राजेश टैगोर फॉर मेकिंग सच वंडरफुल थॉट्स अबाउट मी। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।